सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स टेक सुहेल यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो गाइज, फाइनली प्रो कबड्डी से रिलेटेड बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। तो गाइज, मशाल स्पोर्ट्स ने कल ही प्रो कबड्डी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दी गई है ऑक्शन से रिगार्डिंग, रिटेंशन रूल से रिगार्डिंग एंड पर्स बैलेंस से रिलेटेड एंड ऑक्शन के वेन्यू से रिलेटेड। तो कंप्लीट डिटेल दी गई इस वीडियो में, वीडियो में एंड तक बने रहना। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के कबड्डी के वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो गाइज, बिना किसी वक्त को वेस्ट करते हुए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, बढ़ते हैं यहां पे पहले पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे, मशाल स्पोर्ट्स ने कल ही प्रो कबड्डी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। यानी कि प्रो कबड्डी सीजन 10 का ऑक्शन यहां पे फिक्स कर दिया गया है। यानी कि सितंबर के महीने में हमें प्रो कबड्डी सीजन 10 का ऑक्शन यहां पे 8th से लेकर 9th सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। यानी कि 2 दिन का ऑक्शन रहने वाला है। एंड गाइज, साथ ही मशाल स्पोर्ट्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन की वेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो फाइनली यहां पे मुंबई को फिक्स कर दिया गया है। मुंबई में ऑक्शन 2 दिन तक चलने वाला है, मुंबई में हमें ये ऑक्शन देखने को मिलते हैं। तो गाइज, बढ़ते यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो लाइक, आपने कल ही यहां पे प्रो कबड्डी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखा होगा कि हाइप क्रिएट हो चुकी है। लाइक यहां पर फजल की हाइप थी, प्रो कबड्डी के बहुत बड़े सितारे और यहां पे लाइक प्रदीप नरवाल, पवन शेरावत एंड नवीन एक्सप्रेस मोहम्मद रजा शादलू, तो हाइप क्रिएट हो चुकी थी। ये बिल्कुल साफ इशारा था कि प्रो कबड्डी सीजन 10 का ऑक्शन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा और जल्दी यहां पे। साथ ही में प्रो कबड्डी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कल ही कर दी थी कि एक पोस्टर डाला था जिसमें लिखा था कि कुछ नया आने वाला है सभी प्लेयर्स के लिए। तो स्टे ट्यून्ड वाली हाइप क्रिएट हो चुकी थी। तो गाइज, फाइनली अब यहां पे डेट्स भी अनाउंस हो चुकी थी। तो बढ़ते यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो लाइक यहां पर प्रो कबड्डी सीजन 9 में सभी टीम्स के पास पर्स बैलेंस रहती थी 4.4 करोड़ रुपीज, लेकिन इस बार मशाल सपोर्ट्स ने उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिली। यानी कि 5 करोड़ रुपीज यहां पे पर्स बैलेंस रहने वाली है ईच फ्रेंचाइजेस में। जो भी प्रो कबड्डी सीजन 10 में जो भी टीम्स है उनके पास 5 करोड़ रुपीज का पर्स बैलेंस रहने वाला है, जिसमें वो प्लेयर्स को खरीद सकते हैं, एनवाईपी प्लेयर्स को और रिटेनर प्लेयर्स को रिटेन कर पाएंगे। एंड बढ़ते यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो लाइक यहां पर अगर हम देखा जाए कि 500 के प्लस प्लेयर्स यहां पे प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। एंड कुछ प्लेयर्स यहां पे 24 प्लेयर्स को डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है जो यहां पे ऑल इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से आ चुकी है। यानी कि प्रो कबड्डी सीजन 10 की एक रूल है, जो भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में सीजन 9 में भी ये पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। लाइक यहां पर जो भी प्लेयर्स फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर रहती है लाइक यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है यहां पे प्रो कबड्डी के ऑक्शन में। एंड इस बार भी सेम पॉलिसी रही मशाल स्पोर्ट्स में, तो मशाल स्पोर्ट्स द्वारा तो इन प्लेयर्स को यहां पे डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है ऑक्शन में। तो गाइस, बढ़ते यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो प्लेयर्स को सीजन 9 में भी सेम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, लेकिन सीजन 10 में भी हमें प्लेयर्स यहां पे कैटेगरी वाइज डिवाइड होते दिखे। कैटेगरी ए में जो प्लेयर्स, उनकी बिड यहां पे 30 लाख से स्टार्ट हो जाएगी, 30 लाख उनका बेस प्राइस रहने वाला है। एंड कैटेगरी बी में 20 लाख से प्लेयर्स की बिड स्टार्ट हो जाएगी, 20 लाख बेस प्राइस रहने वाला। एंड कैटेगरी सी और डी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। यहां पे कैटेगरी सी में सीजन 9 में लाइक यहां पे 10 लाख से बिड स्टार्ट होगी, लेकिन इस बार 13 लाख कर दी गई है। एंड इस बार कैटेगरी डी में प्रो कबड्डी सीजन 9 में 6 लाख से बिड स्टार्ट होती थी, इस बार 9 लाख से बिड स्टार्ट हो जाएगी। जो एनवाईपी प्लेयर्स आ सकते हैं प्रो कबड्डी के किसी भी टीम में, तो उनकी बिड 9 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो रिटेंशन रूल से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है। 6 प्लेयर्स को, इलाइटेड प्लेयर्स को यहां पे प्रो कबड्डी सीजन 10 के लिए यहां पे फ्रेंचाइजी रिटेन कर पाएगी। एंड एफबीएम कार्ड के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, तो जल्दी उसके ऊपर भी कोई भी अनाउंसमेंट आ सकती है, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बन जाएगी। तो गाइस, मेरी तरफ से आज की वीडियो थी। वीडियो थोड़ी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।